अच्छा लगा आपसे मिल गया। अरे डरा रहे हो आप तो, ऐसा करके डराते हो कि सब्सक्राइबर करा दे दो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ जयपुर। किसलिए जा रहा हूँ? जयपुर जाके पता चलेगा। मैं कोशिश करूंगा शाम तक आने की, मतलब कोशिश तो क्या, कंफर्म ही शाम को आना पड़ेगा, क्योंकि अगर शाम को नहीं आऊंगा फिर कल कैसे वीडियो डालूंगा। 9:11 हो रहा है, 9:30 की ट्रेन है, तो मैं चलता हूँ अभी। चलो ये अच्छी बात है, पैदल जाना पड़ता है, लिफ्ट मिल गई। रोड की हालत ऐसी की उतर उतर के चलना पड़ रहा है, रोड पे कुछ काम चल रहा है। बस यही रोक देना। चलो यार, थैंक यू। ना जयपुर जा रहा हूँ, 4 प्लेटफॉर्म पे हूँ अभी। 1 पे जाके टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर 2 पे आके ट्रेन में बैठना पड़ेगा। ट्रेन तो देखो आ चुकी है, 2 पे खड़ी है आके, टिकट मिल गया, ट्रेन भी आके खड़ा है, तो ट्रेन में जाके बैठ जाता हूँ। 2 जाने वाली है, एक थोड़ी सी सुपर फास्ट कम है, एक ज्यादा सुपर फास्ट है। ज्यादा सुपर फास्ट से आऊंगा। 15 है अभी ट्रेन को स्टार्ट होने में, अंदर सीट भी नहीं है, खड़े खड़े जाना पड़ेगा। ज्यादा भीड़ तो नहीं है लेकिन सीट नहीं है। 10:18 हो गया, लगभग पिछले 1.25 से ना गाड़ी को रोक रखा, पता नहीं क्या कर रहा है ये। मुझे आज ही जयपुर जाके शाम तक वापस भी आना है, और जिस स्पीड से लेके जाएगा लगता नहीं कि आ पाऊंगा वापस। 11:16 हुआ, फिर से ट्रेन ने रोक दिया भाई, पता नहीं कहाँ पे। 12 अभी भी 10 लगेगा पहुंचने में। 12:10 पे पहुंचा भाई दुर्गापुर स्टेशन। यहाँ पे आते ऑटो वाले बार बार पूछेंगे आपसे पकड़ पकड़ के आपको कहाँ जाना है, लेकिन मुझे लेने के लिए तो सतेंद्र आने वाला था, आया ऐसा इसने मेरे को मैसेज कर दिया। भूख लग रही है, खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा, प्यास लग रही है, दोनों भूख प्यास दोनों लग रही है। उस तरफ खड़ा था क्या तू? वहाँ पे था मैं वहीं से आया तू दिखाने। ये वाला हेलमेट अभी भी चल रहा है क्या? जयपुर में 2 हेलमेट लगाने पड़ते हैं। अब जा रहे हैं हम लोग साजन के रूम पे, वहीं पे कुछ खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है। साजन के रूम पे खाना बना लिया, 2 अब छाछ लेके आऊंगा, कोल्ड ड्रिंक लेके आऊंगा और छाछ के साथ रोटी खा लूंगा। आज इनके साथ खाएंगे खाना। अभी तो आ गया भाई अपने पुराने वाले रूम में, जहाँ पे हमने लगभग 1.5 टाइम निकाला। यहाँ थोड़ा सा रेडी होंगे, फिर जाएंगे एक यूट्यूबर से मिलने के लिए। विकास जैक्सन नाम के यूट्यूबर है जो जयपुर में रहते हैं। विकास भाई के घर तक का पहुंचने का मैप लगा दिया, इतनी धूप में जा रहे हैं और उम्मीद यही करेंगे कि बस मिल जाए बस उनसे एक बार। माधोपुर से स्पेशली मिलने के लिए आया हूँ भाई, स्पेशली। जयपुर में यही तकलीफ होती है सिग्नल की, हर जगह सिग्नल मिलेगा। लोकेशन तो लगा दिया है और टाइम बता रहा है, आधा घंटा लग गया जाने में। अभी लगभग 8.5 बचा हुआ और ये वापस से एक सिग्नल आ गया, ऐसा तो पता नहीं कितने सिग्नल पार करके जाना पड़ेगा अभी। बस दुआ ये कर रहे हैं कि जिनसे मिलने जा रहे हैं उनसे मिल ले कम से कम। सिग्नल खुल गया, अब बस पास में रह गया एड्रेस, लेकिन थोड़ा सा क्या प्यास लग गई तो पानी की बोतल लेता हूँ एक पहले। ये ले पानी पी ले ठंडा एकदम चिल्ड। विकास जैक्सन की गली में पहुंच तो गए, पता नहीं ऐसे तो मकान कौन सा, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी मैंने विकास जैक्सन के भाई को देखा था यहाँ से, वो यहाँ से गए थे लेकिन उनको रोक नहीं पाया मैं। विकास भाई के घर तक पहुंच तो गया हूं, लेकिन यार घर में लग रहा कुंदी लगा हुआ, कैसे जाऊँ अंदर समझ में नहीं आ रहा यार। इतनी दूर से आया बिना मिले जाऊंगा अभी नहीं, बहुत दूर से आया हूं भाई, सवाए माधोपुर से। मैंने देख लिया विकास भैया घर में ही है, थोड़ा सा कुछ बोल देते भैया, थोड़ा सा नहीं मतलब ये तो नहीं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब भाई के चैनल को, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करो। जैसे भैया की आवाज देखो थोड़ी सी बुलंद थी जो थोड़ी धीरे हो गई है, स्वेलिंग है ना फेस। हाँ, वो आपकी थोड़ी बुलंद वाली आवाज थी ना, वो रेनबो के साथ थी, वो पहले वो ट्यूनिंग थोड़ी सी, वो तो यार धीरे धीरे आएगी। हाँ वो तो आएगी। ये देखो विकास भैया के टैटू का फोटो है, ये विकास ने स्टार्टिंग में टैटू करवाया था वो वाला, और फिर उसको कम्प्लीट करवाया, काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी आपकी हेल्थ कम होगी ना, थोड़ा वो हो गया, 1.5 से कुछ खाया नहीं। हाँ वरना आपके बहुत मस्क्यूलर थे थोड़े बहुत, देखे तो फिर ऐसे जूस पी रहा हूँ, लिक्विड चीजें ले रहा हूँ। अभी 1 पहले मैंने खिचड़ी दाल ये सब स्टार्ट किया। नहीं आपकी थोड़ी सी हेल्थ भी कम होगी देख के लग रहा है, जान बचगी उससे ज्यादा। बहुत बहुत लगीन रहा था जिस हिसाब से आपके वीडियो जा रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। हम तो बस प्रे कर रहे थे, हमने कमेंट्स वगैरह सब कुछ किए, योगी भाई को कमेंट्स किया हमने तो योगी उधर से फिर कुछ रिप्लाई आया कि हॉस्पिटल मत आओ, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वरना मैं तभी आने वाला था। डॉक्टर को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बुलानी पड़ गई। अरे वाह अच्छी बात है, एलवीएस यादव के लिए बुलानी पड़ गई थी, आपके लिए बुलानी पड़ गई। अरे वो तो भाई लेजेंड है। ठीक है भैया ना, चलो बाय। और अच्छा लगा आपसे मिल के, अरे डरा रहे हो आप तो। मिल लिया भाई विकास भैया से, विकास भैया से मिलने के लिए आया था, और होप कि फर्स्ट टाइम किसी से मतलब किसी को फॉलो कर रहे हो और किसी से मिलना थोड़ा अलग ही रहता है, लेकिन अच्छा लगा मिल के। सतेंद्र भी मिल गया, मैं ही मिल लिया। चलो बाय बाय ना भैया, बाय बाय ना। स्वागत है आपका गुलाबी नगर में, यहाँ पे देखो सारी दुकानें एक जैसी मिलेगी आपको, सेम कलर से पुती हुई चाहिए, तुम देख लो क्या राइट देख लो।
अब आगे हम लोग भाई राइडिंग जैकेट लेने के लिए। इस एरिया मिल तो जाना चाहिए राइडिंग जैकेट, मगर लग नहीं रहा कि मिलेगा, क्योंकि एक बार हम आ चुके, अब वापस जा रहे हैं देखने के लिए कोई दुकान अगर बच गई हो, छूट गई हो, क्योंकि पहले आए तो दिखा नहीं कोई भी। इस एरिया का नाम है अजमेरी गेट, जयपुर का हर कोई बंदा जानता होगा इसके बारे में। बाइक्स के सबसे ज्यादा एसेसरीज सबसे सस्ते अच्छे और सारे एसेसरीज इधर ही मिलते हैं। राइडिंग वाले जैकेट भी ले लिए, विकास भाई से मिल लिया, सारे काम हो गए, अब जयपुर का काम खत्म हो गया, अब घर जा सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मुंह धोएंगे ठंडे पानी से, अच्छा फील होगा यार, क्योंकि यार धूप देखो कितनी भयंकर है। इस धूप में ना स्किन पूरी जल के लाल हो गई है, मगर उसकी चिंता नहीं है, विकास भाई से मिल लिए, राइडिंग जैकेट ले लिया, जयपुर का काम हो गया, आना सफल रहा वो अच्छी बात रही मेरे लिए। बोतल में पानी भर रहे, डिग्गी में बोतल रखा हुआ, फिर साजन के रूम पे चलते हैं। सफर फिर से स्टार्ट कर दिया साजन के रूम की तरफ, साजन के रूम पे चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, गर्मी से परेशान हो गए ना। अब जा रहा हूँ भाई यहाँ से, इन दोनों को विदा करने का टाइम आ गया, ये तो मुझे स्टेशन तक छोड़ने जाएगा, लेकिन ये यहीं पे रहेगा, इसको पहचान के होंगे शायद आप लोग। ट्रेन आने से पहले स्टेशन में भीड़ देखो कितनी भयंकर वाली हो गई है। 8:12 पर भाई घर पहुंच गया हूँ, नहा लिया, मस्त ठंडा ठंडा तेल लगा लिया, भूख लगी हुई है तो अंडे की सब्जी बनाने के लिए मैंने ट्रेन में से ही बोल दिया था खाना बनेगा, खाना खाएंगे, रिलैक्स करेंगे। 8:47 हो गया भाई, डिनर आ गया, शाम में डिनर में अंडे की सब्जी चपाती। 9:24 हो गया, डिनर कर लिया भाई, और नींद मुझे बहुत तेज वाली आ रही है, क्योंकि सुबह से थक गया हूँ ना, गया ट्रेन में, फिर आया, फिर उधर भी दिन भर घूमा, पूरा जयपुर टूर किया। तो फिलहाल इस ब्लॉग का ये एंड करते हैं, थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट देखने के लिए, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, एक लाइक विकास भाई के नाम पे, क्योंकि यार विकास भाई से मिलने के लिए मैं पर्सनली जयपुर गया था और फाइनली उनसे मिल लिया, अच्छा मीटअप रहा। बाकी आगे का प्लान देखते हैं क्या होने वाला, क्योंकि एक चीज और लेके आया हूँ तो उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।